देखिए, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। इस पे जो हमारी इलेक्टोरल प्रोसेस है उस पे इसका इम्पैक्ट और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग पे इसका इम्पैक्ट को हम तो हमेशा से इस बात के कायल रहे हैं और बोलते रहे हैं कि इन सब चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पे फैसला दिया है। हम समझते हैं कि ये खुशायंद बात है, क्योंकि जिस ओपेकनेस के साथ ये सब हो रहा था उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड, जो कि किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक अहम जुज़ होता है, वो नदारद था। और इस फैसले का हम खैर मकदम करते हैं, बहुत ही खुशायंद पता। देखिए, जिन हालात से मुल्क और इस मुल्क के आवाम और खुसूसन जम्मू कश्मीर का आवाम गुज़र रहा है, जहाँ पे हमारी शिनाख्त पे हमला, जो जमहूरी अकदार हैं उन पे हमला, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पे हमला, ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं, तो इसमें कोई भी जो ज़िम्मेदार पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये दावा है कि हम अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और उनकी भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, उन पे कहीं ना कहीं ये इनकम्बेंट हैं कि उन सारी ताकतों के ख़िलाफ़ एक हो के सफारा हों, ताकि आवाम को इस जुल्म और ज़्यादती से नजात दिलाई जा सके। और यही वजह है कि हमने हमेशा कहा है कि चाहे कुछ भी हो, हम यूनिटी के लिए हैं, हम यकजहती के लिए हैं, और हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे अपने सियासी अगराज हो सकते हैं, लेकिन आज के वक्त में हमारे आवाम की खुशहाली के लिए, उनकी तवक्कुआत को सामने रखते हुए ये ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें दरकिनार की जाएं और एक होके इन ताकतों के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ जाए, जो कि आवाम पे जुल्म ढा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, खुसूसन जम्मू कश्मीर के आवाम के जो हुकूक हैं उनको पामाल किया जा रहा है। तो हम लोग हमेशा से यकजहती के लिए रहे हैं और आज भी हम इसी बात पे कायम हैं। आपको पता होगा कि चंद दिन पहले हमारी पार्टी की कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये फैसला लिया गया कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में हम इस यकजहती का जो कदम, जो कि आपको पता होगा कि इंडिया अलायंस से काफ़ी साल पहले महबूबा मुफ्ती साहिबा की खसूसी काविशों से PAGD बना था, और तब से हमारा ये मौक़िफ़ भी रहा है और इसके लिए हम कोशां भी रहे हैं कि इस यकजहती के रास्ते पे हो सकता है हमें नुकसानात हों, और ऐसा हुआ भी, हमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना दरपेश रहा है और अभी भी है, लेकिन उन सब चीज़ों की परवाह न करते हुए इस चीज़ का इरादा किया कि चाहे इसमें हमें कुर्बानी भी देनी पड़े, लेकिन हम लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में यूनिटी के न सिर्फ साथ हैं बल्कि उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी कोशिश जारी रखेंगे। ये हमारा मौक़िफ़ रहा है। अब आज जो आपने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान आया है, अब अगर उन्होंने इस तरह का बहसियत एक जमात कोई फ़ैसला लिया है, इसके पीछे क्या मुहरिकात हैं, क्या वजूहात हैं, वो तो खैर वही जानते होंगे और शायद वही बता पाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक रिस्पॉन्सिबल सियासी जमात होने के नाते आवाम की मुश्किलात को देखते हुए और उनकी जो सियासी जमातों से तवक्कुआत हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, अपने सियासी अगराज व मकासद को बालाए ताक रख के एक लार्जर पब्लिक गुड में हम यूनिटी के लिए थे, यूनिटी के लिए हैं और यूनिटी के लिए रहेंगे। अब चूंकि ये बयान आया है तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपना फ़ैसला ले भी लिया और उसको पब्लिक भी किया है। हम आगे इस पे सोच विचार करेंगे, डेलिब्रेशन होंगी और आगे का जो लाइ अमल है वो तय किया जाएगा और आपके साथ भी शेयर किया जाएगा।